आप तो मेरे हार्ट में ही हो ना। तो आप सबको बांट देती हो मुझे। राम राम फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और स्वागत है आप सभी को हमारे एक और प्यारा सा ब्लॉग में। तो अभी रात के 9 बज रहा है और अभी यहाँ पे सुहाना खाना खा के सो गई है। क्या खाई बेटा आप? सो रही है ना जी। क्या खाई हो? खाई भुजिया चावल। भुजिया चावल और मछली का रस, मछली थोड़ा सा है ना, एक टुकड़ा। हाँ, क्योंकि रात को सुहाना को मछली का और चिकन का खुशबू आ रहा था तो मुझे भी मन करने लगा खाने को। तो आज हम मछली लेके आए हैं बहुत दिनों बाद, मतलब इस साल में पहली बार ठंड में। तो यहाँ पे हमारा मछली बन चुका है। जो भी हमारे फैमिली लोग मछली खाते हैं आप लोग आ जाइए खाने के लिए, और जो लोग नहीं खाते हैं उनको दिल से सॉरी, प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पे दीदी लोग के लिए मैंने मछली निकाल लिए है, सुहाना खा ली है। सुहाना के पापा दोस्त लोग के साथ नाश्ता कर रहे हैं तो अभी ये दीदी लोग को दे के आते हैं। हम लोग खाना के बाद गए दूड़ा में तो वहाँ पे देखे कि कुछ कुत्ते के बच्चे पप्पी जो होते हैं वो वहाँ पे बैठे थे। तो हम सोचे क्या कि इसको ना थोड़ा सा जो झूल को बोरा रहता है हमारे घर में तो वो उड़ा देते हैं। तो मैं और हमारे भांजी है यहाँ पे, वो दोनों लोग ढूंढने गए झूल का बोरा, फिर ढूंढ के लाए और फिर इसको देखिए ऐसे उड़ा दिए ताकि ये गर्म होकर रात भर सो पाए, क्योंकि ठंड जो है बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों। और यहाँ पर सारे लोग बोल रहे थे, सुहाना के पापा ही एक्चुअली में बोले थे कि यहाँ पे पप्पी जो आए हैं तो उसको बढ़ा दो। और जीजू भी अभी देखे तो वो भी बोलने लगे कि बहुत ठंड लग रहा है, काँप रहा है तो उसको बढ़ा दो। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि थैंक यू आप ये आइडिया देने के लिए, ये अभी बोलने के लिए, क्योंकि ये अभी ना अभी शाम को ये सुहाना के पापा बोले थे कि जब यहाँ पे पपीज बैठते हर रात यहाँ पे आके बैठ जाते हैं तो बोले क्या कि कुछ ओढ़ा देना इसको ठंड में। और देखिए इतना मतलब अच्छे से ये सोए थे दोस्तों ये पपीज, मतलब इसको ओढ़ाए हम लोग तो उठे नहीं, ये इतना गर्म हो चुके थे वहाँ पे एक दूसरे के साथ। तो ओढ़ा दिए हम लोग और फिर अच्छा लगा ओढ़ा के। हे फैमिली, ये है अगला दिन, मतलब शुरुआत कर रहे हैं। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज सुबह सुबह आपको देखने में बैड न्यूज ये है कि जिस फ़ोन से मैं करता था ब्लॉगिंग, देखिए ये फ़ोन, ये आज क्या हुआ अभी मुझे आप बताइए। बंद हो गया। सबको नमस्ते बोलिए पहले। गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते। हाँ, और यहाँ पे देखिए इसे हम ब्लॉगिंग शूट ही कर रहे थे, कल भी शूट किए थे और आज जब शूट करते करते ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। इसमें चार्ज था, ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं था, शायद ये हैंग हो गया है, एंड्रॉयड है ना तो हैंग हो गया है। तो ये इसका इंतज़ार करते हैं हम दो दिन, क्योंकि दो दिन इसको नहीं चलाएंगे तो इसका बैटरी डेड होगा। उसके बाद अगर ऑन हो जाए तो ठीक है, नहीं ऑन होगा तो इसको हम ले जाएंगे रिपेयरिंग सेंटर में, ठीक है। तो चलिए अभी काफ़ी अच्छे से हम सुबह सुबह नहा लिए हैं, फ्रेश वगैरह हो लिए हैं, आज थोड़ा सा हम किए हैं विटामिन डी लिए हैं सूर्य देवता से। और यहाँ पे देखिए बीमू जी, नहा ली हो, अब तैयार हो रही हूँ। बीमू जी नहा लिए हैं और बीमू जी का फ़ोन का हम मदद ले रहे हैं ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि मेरा फ़ोन तो गया। लेकिन आप ये फोन ले लीजिए, जब तक आपका नहीं ऑन होता तब तक। हाँ, मैं भी वो चला लूंगी। अरे बाप रे, ले 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 ले। इसमें चैनल भी नहीं है, है ना? हाँ, लकीली इसमें चैनल है, चलो नहीं तो टेंशन होता अभी। आज बीमू जी अपना पैर में पेरंगा लगा रही है, पता नहीं क्यों, क्या स्पेशल है बीमू जी? कुछ नहीं, ऐसे कुछ तो है। आज बहुत दिनों बाद ना सुबह सुबह धूप निकल गया तो आज सजने सवरने का मन हो गया, तो आज नहा धो के मैं बोली कि साड़ी पहन ले, तो साड़ी पहनी तो बोली ये भी कर लेते हैं टिकटॉक बनाने के लिए। हाँ, रील्स बनाएंगे। रील्स बनाने के लिए सुहाना जी? क्या रील्स बनाओगी? हमारे यहाँ पे सभी अभी भी टिकटॉक ही बोलते हैं। हाँ, रील्स को भी। हाँ हाँ, टिकटॉक क्या आया, रील्स शॉर्ट्स का ट्रेंड चला गया। सब कुछ तो टिकटॉक ही है, उसी के फॉर्मेट पे तो काम कर रहे हैं सभी। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, तन्हा ही जी लेंगे जब है तन्हा जीना। जा बेवफा जा, मैं मरना नहीं इसलिए हम हटा दिए।
हम खुद का गाना खुद से बनाते हैं, हमें मरना नहीं, इसलिए हम जीना जीना ही डाल दिए। हाँ हाँ, उनको जीना है, आपके संग जीना है। क्या हो, क्यों हंस रहे हो? ए चावल का लाइन काटिए, लाइन में थोड़ा बन रहा है। तो वही गैस ऑफ कर दिया ना। तो देखिए दोस्तों, सुहाना कितनी गुस्सा कर रही है। आज सुबह सुबह सुहाना पे, सुहाना की मम्मी थोड़ी सी चिल्लाई थी कि कुछ बात के लेकर, तो सारा, हाँ तो सारा खिलौना सुहाना ना उस तरह फेंक दिए थे। उसको हम लाने के लिए इस घरपट्टी के द्वार से गए मकान मालिक के, उससे भी हमको गाली सुनना पड़ा। पता है आपको, वो बोल रही थी कि मतलब हमारे घर से क्यों जा रहे हो, उधर से घूम के आओ। नहीं जाना था, ये था ना उस साइड से जाते। तो उसका भी तो जो किराएदार है, हमारे छत से होके जाते हैं कभी कभी, तो हम नहीं कुछ बोलते हैं, क्या करें। चलिए छोड़िए, कुछ ना करें। तो अभी हम आ गए हैं छत पर, धूप है और धूप में हम धूप के नीचे खाएंगे खाना ना साना। जी। आप क्या खाओगी बताओ? चावल खाओगी। चावल खाओगी और जी खाओगी? नहीं। तो क्या खाओगी? दाल चावल और मछ। बाप रे, फिश करी खाओगी? जी। बाप रे बेटा, काट नहीं करेगा? नहीं, इसमें काटी नहीं। काटी नहीं है क्या सना? आप भी खाइए और मम्मी को भी खिलाइए और मुझे भी खिलाइए। हाँ चलिए दोस्तों, जो खाते हैं मछली, आ जाइए। आज है मछली, चावल, अचार और मिर्चाई। हाँ मिर्चा मुझे। पहले आपको, पहले सुहाना खाएगी, पहले सुहाना टेस्ट करके बताऊंगी। क्या हुआ, तो क्यों इतना चिल्ला रही हो? कुछ नहीं बेटा, कैसे लेकिन बहुत टेस्टी लगा पापा। हाँ जी, वे दोनों बाप बेटी अकेले अकेले खा रहे हैं, मुझे पूछ भी नहीं रहे। सुहाना भी आ कर रही है मछली खाते हैं। कैसा है, अच्छा बना है? बहुत तीखा है। तीखा है? नहीं नहीं ठीक है। सुहाना को ठीक लग रहा है, आपको तीखा लग रहा है? ये मिर्ची खाए ना इसलिए। हाँ नहीं, झोल तीखा है। तो मीट मछली थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगता है ना? हाँ मीठा अच्छा नहीं लगता। माछ दो मुझे। माछ इसमें काटा होता बेटा, निकाल कर दीजिए। इन्होंने ना अपने कुंडली दिखवाए थे, पंडित जी बोले थे क्या कि मछली खिलाओ ना। हाँ आपके लिए शुभ है कुंडली में। मेरे लिए शाम के टाइम यहाँ पे बैठे हैं और उदय जी आए हैं, और ये ना नॉर्मल सब्जी जो रहते हैं कुछ भी तो नहीं खाते हैं। अभी देखे कि हाँ मछली हुआ है तो हम खाएंगे, तो अभी खा रहे हैं। इनको जब आते हैं तब हम पूछते हैं कि खाना खा लीजिए, तो बोलते हैं नहीं, जब मीट मछली रहेंगे तो खाएंगे। कैसा बना है, खाए कि नहीं? अभी टेस्ट भी नहीं किया है। खाइए, सेंट से तो अच्छा लग रहा है। हाँ खुशबू से अच्छा लग रहा है। कैसा है, ठीक है? देखिए खुद से लाइट ऑन हो जाता है हमारे फोन में। अभी रात के अभी 7:30 बज रहा है, मैं अपना वीडियो पोस्ट कर ली हूँ और इनका फ़ोन बिगड़ चुका है। तो अभी अपने दोस्त लोग के साथ बाहर बैठे हुए थे, मजाक में भांजी को बोल दिए क्या क्या बना है भांजी, बोली रोटी। ये बोले कि दो मुझे खाने को, तो देखिए भांजी रोटी, भुजिया, तिल का चोखा लेके आए हैं ना। अभी हम लोग खाते हैं। सुहाना बेटा, आशीर्वाद आटा है, आशीर्वाद आटा है। हम लोग तो आटा वहाँ ले गए हैं दरभंगा, तो यहाँ पे रोटी भी नहीं बनाते हैं, तो कितने दिन से यहाँ पे है। कल 2 kg का वो पैकेट ले लेंगे हम भी, ठीक है? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, कंफर्म कर लिए। वाह थैंक यू सो मच, सच बोल रहे हैं ना? नहीं बोल रहे सच, मुझे पता था। सच बोल रहे, सब लोग बोल रहे हैं हमको कि यहीं पे रह जाओ, पता है? सब लोग हमारे जितने दोस्त हैं ना, हम फैमिली मेम्बर्स, सब लोग बोल रहे हैं मत जाओ यहीं पे रह जाओ। सुहाना का भी दिल लग रहा है। सुहाना का मेरे पे भी आता है कमेंट में, तो जब से अपना मैं वीडियो करने लगी ना यहाँ पे मिला विकास पे, तब से मैं आपका कमेंट उतना उस चैनल का मतलब नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि काम हो जाता है, घर का काम, फिर वीडियो शूट करना, फिर एडिट करना, पोस्ट करना, फिर खुद का भी कमेंट देखना, उसका रिप्लाई देना, हार्ट देना, तो नहीं देख पाते हैं उतना। कितने को हार्ट देती हो? जितने लोग कमेंट करते हैं सबको हार्ट देती हो? फिर मेरे लिए बच जाता है।
आप तो मेरे हार्ट में ही हो ना। तो आप सबको बांट देती हो मुझे। कमेंट पे ना हार्ट देते हैं। आ जाओ बेटा सुहान, फिर चल गई खेलने, बुलाइयो उनको उसको। सुहाना इतना जोर से बोलते, हमारा ये प्यार हमेशा बना रहे, किसी की नजर ना लगे। सुहान आ जाओ बेटा, कहाँ चली गई थी? वो वाटर पेंट क्या बोलते हैं उसे, वाटर कलर, वो वर्षा कर रही है अभी, कर रही है, कर रही है। ऐसे कौन जैकेट पहनता है? हाथ डालो उसमें, बोलो मैं, हाथ डालो, हाथ डालो, जाओ कहाँ जाना है? ड्राइंग कर रही है वो। ठीक है ड्राइंग करके आ जाओ खाने के लिए, ठीक है।